बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जिस बात का जिक्र कर रही थी शायद वो दिन आ जाएगा। दरअसल लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को याद कराया जा रहा था और तथाकथित रूप से जंगल राज की बात कही जा रही थी, लेकिन ऐसे में अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के राज में यादव भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल छपरा से खबर निकलकर सामने आ रही है, राजद नेता सुनील राय का अपहरण हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के लिए छपरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लालू प्रसाद यादव का संसदीय क्षेत्र और राबड़ी देवी उसी क्षेत्र से कहीं ना कहीं जीत कर मुख्यमंत्री बनती आई है। छपरा जिला राष्ट्रीय जनता दल के लिए मजबूत क्षेत्र बताया जाता है। वही जो खबरें आ रही है, राजद नेता सुनील राय का अपहरण हो गया है। स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने अपहरण कर लिया है, फोन कर घर से बाहर बुलाया है और मुफस्सिल थाना साढ़ा की यह घटना बताई जा रही है। दरअसल छपरा के साढ़ा की यह घटना है जहां राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुनील राय का अपहरण हो गया है। बिहार में बढ़ते अपराध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का जो इस्तकबाल है वो खत्म हो चुका है। और ऐसी ही एक खबर छपरा से निकलकर सामने आई जहां हथियार के बल पर नकाब पहने बदमाशों ने अपहरण को अंजाम दे दिया है। ये पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साढ़ा गांव का है। इस मामले में एक सीसीटीवी में सामने आया है और जिसके बाद ये छानबीन जारी हो गई है। सुनील राय का बदमाश अपहरण करते दिख रहे हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले में जुटी है। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में सुनील राय का अपहरण होते हुए दिखाया जा रहा है। उन्हें जबरन गाड़ी में बिठाया जा रहा है, गाड़ी अपराधी लेकर फरार हो जाता है। 5 से 6 की संख्या में बदमाश वहां मौजूद है और खबरों के मुताबिक पुलिस को घटनास्थल की कुछ दूरी पर सुनील राय का मोबाइल भी बरामद हुआ है। और कहीं ना कहीं छपरा में राष्ट्रीय जनता दल जिस प्रकार से मजबूत है और राजद नेता का ही अपहरण हो जा रहा है, तो स्पष्ट समय आ रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है। सुनील राय आरजेडी के सक्रिय नेता थे, वह पूर्व में भी चुनाव लड़ रहे थे और फिलहाल पुलिस उनका कॉल डिटेल खंगालने में जुट गई है। और खबरों के माने तो सुनील राय को कॉल करके घर से बुलाया गया और उसके बाद उन्हें उठा लिया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में सुनील राय निर्दलीय प्रत्याशी थे, जमीन खरीद बिक्री में भी काफी सक्रिय रहे हैं। और ऐसे में सुनील राय को लेकर जो खबरें सामने आ रही है और सुनील राय को अपराधियों ने उठा लिया है, तो एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये सरकार बिहार की जनता की सुरक्षा करने में अक्षम है। और ऐसे ही मामला छपरा से निकलकर सामने आता है, तब ये साफ होता है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।